Good morning everyone, most welcome in Avinash tutorial. Last classes में हम लोगों ने exercise 1.3 का जो basic concept था उस concept को हम लोगों ने समझा था, और उसमें हम लोगों ने terminating, non-terminating, rational number, irrational number, decimal form में rational और irrational की properties को study किया था. इस क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे. एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. तो जितने भी नंबर हैं, इन सारे नंबर को पहले तो हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, और इसके बाद बताने हैं कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है. ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. तो हमने प्रॉपर्टीज में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग. तो पहला है 36/100. तो 36/100 को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो है 0.36, और आगे नंबर जो है नहीं, इसका मतलब कि ये टर्मिनेट हो चुका है, कैलकुलेशन स्टॉप हो चुका है. Therefore, decimal expansion of 36/100 is terminating. जैसा मैंने प्रॉपर्टी से बताया कि डेसिमल के बाद अगर नंबर स्टॉप हो जाता है किसी पॉइंट पे आकर के, तो उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं. और डेसिमल के बाद अगर वो नंबर इन्फोनाइट तक चला जाता है, डॉट 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 करके चला जाता है, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. अब इसी में जो सेकेंड एग्जाम्पल है 11/1/11, जो सेकेंड क्वेश्चन है, डिवाइड 1/11, दैट मीन्स 1/11 को हमें चेक करना है. तो 11 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल और जीरो करके वो कैलकुलेशन आप पुट अप करेंगे, तो उसमें जो नंबर आएगा, वो जो क्वेश्चन होगा, वो 0.09909 लाइक दिस होगा. और यहाँ पर देख रहे हैं कि डिवाइड करने के बाद आखिरी में भी रिमाइंडर फिर दोबारा से 1 बच गया. इसका मतलब कि ये जो कैलकुलेशन है वो चलता जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या स्टॉप हो नहीं रहा है. तो जब हम लोग 1 में 11 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन जो आ रहा है 0.09909... दैट मीन्स ये जो डेसिमल के बाद रिपीटिंग ऑर्डर आ रहा है वो 090909 आ रहा है. तो आप इसको लिख सकते हैं 0.09 बार, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. तो ये हो गया, रिप्रेजेंट हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में. द डेसिमल एक्सपेंशन जो है इस टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑर्डर में है, जैसा हमने पहले ही बताया था कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है. तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसका लास्ट नंबर आकर के कैलकुलेशन स्टॉप नहीं हो रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन हो गया था. और यहाँ पर वो भी कह रहा है नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 11 से 1 में डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 0 के बाद जो नंबर, डेसिमल के बाद जो नंबर है 090909, वो रिपीट ऑर्डर में हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन स्टॉप नहीं हो रहा, अभी भी रिमाइंडर हमारा 1 है. इसका मतलब फिर अगेन हम 0 डाल करके फिर आगे कैलकुलेशन हम चलते जाएंगे. तो ये जो कैलकुलेशन, वो एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑर्डर का. अब इसी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बार, द बार अबव द डिजिट इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीटेड. Here the repeating block is 09. यहाँ पर 09 का बार दिया हुआ, दैट मीन्स 09 जो है बार बार रिपीट हो रहा है. अब इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन में है, राइट 4/1/8 इन p/q फॉर्म. तो हमें 4/1/8 को अगर डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स p/q फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और इसका p/4 जो q फॉर्मेशन हो जाएगा वो 38/4
33 बाई 8 हो जाएगा, 8 इंटू 4 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 8, और सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करके 38 बाई 1 आ गया। दैट मीन्स के 33 बाई 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप 33 में 8 से डिवाइड कीजिए, तो 33 यहाँ पर हो गया, और 8 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड होता जा रहा है, और लास्ट में जो कैलकुलेशन हमने देखा कि जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब कि कोसेंट जो है उसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो आकर के स्टॉप हो गया है। तो यहाँ पर रिजल्ट में सो ये हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिवीजन टर्मिनेट। रिमाइंडर 0 आने का मतलब डिवीजन टर्मिनेट हो गया। सो 33 बाई 8 ये जो फ्रैक्शंस है इसको डेसिमल में हम 4.125 ले सकते हैं, और इसको कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। जैसे पहला एग्जांपल था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन स्टॉप हो गया, तो सिंपल सा ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। अब इसी के फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। वन का ही जो फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन है आपका 3/13 फोर्थ में, दैट मीन्स कि डिवाइड 3/13। तो 13 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इस तरह का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा, और यहाँ जो आपके ऑब्जर्वेशन में आएगा कि डिवाइड हम लोग करते जा रहे हैं, और लास्टली जो डिवाइड करने के बाद फिर जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा वो 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पर 30 से डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन हमारा स्टॉप नहीं हो रहा है, और जो क्वेश्चन्ट हमारा आ रहा है वो 0.230769 ये टर्म्स में आ रहा है। और यहाँ अगर आप अगर कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाएं तो नंबर जैसे 230769 है, अगेन ये नंबर यहाँ से फिर रिपीट होगा 230769, ये ऑर्डर रिपीट होता जाएगा। अगर जैसे जैसे आप जो है डिवाइड फिर इसके बाद 1 से फिर दोबारा अगर आप स्टार्ट करते हैं आगे प्रोसेस को लेकर के जाते हैं, तो इस तरह से इस कैलकुलेशन में क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इज, जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है वो 230769 हो रहा है। जैसे 3/13 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0.230769, और इसके बाद अगेन आप देख रहे हैं 23 आ रहा है, फिर इसके बाद जो अगला नंबर आएगा 0, फिर आएगा आपका 7, फिर आएगा 6, फिर 9। तो इसका मतलब कि 230769 जो है बार बार ये रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, इस पर हमने इसको बार दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 3/13 जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसका आखिरी नंबर हमें नहीं मालूम है, और एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी के फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 2/11 है, दैट मीन्स कि 2 को डिवाइड करना है 11 से। तो यहाँ पर जब 11 से 2 को डिवाइड करेंगे तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि अगेन 11 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया था, फिर रिमाइंडर हमारा फिर 2 आ गया, और फिर 2 को हम 11 से डिवाइड करते फिर आगे प्रोसेस जाएंगे। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये जो नंबर है वो 0.1818, और ये कैलकुलेशन और आगे जाएगा क्योंकि रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं हुआ है। तो द रिपीटिंग ब्लॉक, यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है ऑफ डिजिट इज 18, क्योंकि यहाँ पर आपका डेसिमल के बाद 18 18 18 अगेन आ रहा है, तो 2/11 इज इक्वल टू 0.1818 दैट मीन्स 0.18 का बार लिख सकते हैं। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो 2/11 जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद नंबर आखिरी नंबर आपको मिल नहीं रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर 18 आपका बार बार आ रहा है डेसिमल के बाद, तो वो रिपीटिंग ऑर्डर में
हो रहा है। अब इसी में फिफ्थ के पास जो अगला जो सिक्स क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में है 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 को 400 से डिवाइड करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करना, और फिर इसके बाद उस डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बताना है। तो जब आप 400 से 329 को डिवाइड करते हैं तो ये ऑप्शन आता है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लास्ट में जीरो हो जाता है। रिमाइंडर लास्ट में जीरो होने का मतलब जो क्वेश्चन आ रहा था उसका कैलकुलेशन आपका हो जाता है स्टॉप, और जब कैलकुलेशन स्टॉप हो जाता है, रिमाइंडर आपका जीरो हो जाता है, इसका मीन्स है कि प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज टर्मिनेट। तो इस प्रोसेस का जो डिवीजन है वो आपका ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया है। सो 329 बाई 400 इज इक्वल टू 0.8225 इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर देख पा रहे हैं, यू कैन नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और ये बार। तो इस बार का मतलब है कि जब हम 1/7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो डिजिट का नंबर है अगर बार रिमूव हो जाएगा तो फिर यहाँ से सेम डिजिट आएगा, फिर इसके बाद भी सेम डिजिट आएगा, मतलब ये जो नंबर है आपका अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। तो आपको इस क्वेश्चन में 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल जो आपका एक्सपेंशन है वो निकालना है, जहां पर 1/7 की वैल्यूज आपको दी हुई है। तो इसका यूज करना है हमें। तो देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 की जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज आपकी ब्रैकेट में हो गई। और अब क्या करना है, ये जो 2 है वो 2 आपका यहाँ पर है, इस 2 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट आपका यहाँ आ चुका है। अगेन जब आप 3/7 का वैल्यूज निकालना हो तो 3 × 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 का जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट जो गिवन है वो गिवन रिजल्ट ये है, और फिर 3 से इस नंबर में डिवाइड करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो सिमिलरली ये जो सारे क्वेश्चन है, सपोज 6/7 भी है तो यहाँ 6 × 1/7 और 1/7 की वैल्यूज रख के 6 से लास्टली मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट ये आ चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन वी कैन प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एबव गिवन रैशनल नंबर। तो बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने इसको डेसिमल जो एक्सपेंशन है उसमें हमने पुटअप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 1/7 ऑलरेडी डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन था, केवल जो न्यूमिनेटर में जो लेटर थे जो नंबर था केवल उस नंबर से हमें ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लाना था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो 1, 2 और 3 में नंबर दिया है, जैसे पहला है 0.6 का बार, इसको पी बाई क्यू फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, सिमिलरली 2 और 3 को भी कन्वर्ट करना है। तो पहला नंबर ले लेते हैं और इसको एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार, और 6 बार मीन्स वो 6 जो होगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा इन्फिनिट तक। सिंस देयर इज 1 रिपीटिंग डिजिट, यहाँ पर केवल एक रिपीटिंग डिजिट है, इसलिए हम केवल दोनों साइड में भी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अगर यहाँ पर 2 डिजिट रिपीटिंग ऑर्डर होता तो हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करते। तो ये डिसाइड करता है कि हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें या 1000 से करें, वो डिपेंड करता है कि बार जो है वो कितने पे है। यहाँ बार सिंगल डिजिट पे है, सो हम दिस साइड एंड दिस साइड बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा हमारा 10x इक्वल टू, और ये नंबर में 10 से मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो ये जो डेसिमल है आपका 1 अंक
आपका आगे आ जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट 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 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। जब 2 में से 1 को x इज इक्वल टू 0.6 बार को माइनस कर देंगे तो 10x माइनस x यहाँ आ जाएगा और RHS में 6.666 डॉट 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 माइनस आ जाएगा और जो 6 बार है 0.66 लाइक दिस यहाँ हो जाएगा। तो जब इस तरह का माइनस होगा तो LHS जो होगा यहाँ पर आपका 9x हो जाएगा और RHS में डेसिमल के बाद देखिए 6666 डॉट 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 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 666 डॉट 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 है, तो ये पार्ट आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आपका एक बचेगा, थोड़ा सा इस रिजल्ट को दिखा देते हैं आपको पहले। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो रिजल्ट है 10x माइनस x इज इक्वल टू ये 9x आ जाएगा और डेसिमल के बाद जो 6 डिजिट रिपीटिंग है यहाँ भी डेसिमल के बाद 6 रिपीटिंग है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके केवल 6 बच जाएगा, 6 माइनस 0 6 हो जाएगा और डेसिमल के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से अब आपने क्या किया, 9x इज इक्वल टू 6 हो गया तो x इज इक्वल टू 6/9 सिंपलीफाई करके 2/3 हो गया, तो आपने 0.6 बार को 2/3 मीन्स p/q फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x इज इक्वल टू 0.47 पे बार है, केवल 7 पे बार है, तो इसका मतलब हो गया कि 0.4 और 7 रिपीटिंग ऑर्डर में डॉट 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 आ गया। अब आपने क्या किया, क्योंकि देखा कि केवल एक नंबर के ऊपर बार है तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इस साइड में हो गया 10x और इस नंबर में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक नंबर बाद आ जाएगा, सो ये 4.77 आ जाएगा। अब क्योंकि आपको करना क्या है कि जो डेसिमल जो रिपीटिंग ऑर्डर में आ रहा है इसका ये पहला एक नंबर कम से कम इधर आना चाहिए, क्योंकि एक ही नंबर पे बार है इसलिए एक नंबर जो है इसका इस साइड में आना चाहिए। फिर अगेन आपने क्या किया, बोथ साइड, फिर इस नंबर में बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 10x इंटू 10 आपका 100x हो गया और 4.77 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ पर 47.77 लाइक दिस आ गया, जैसे पहले वाले में भी था। तो हम उस नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं कि बार वाला जो टर्म्स है वो कम से कम लेफ्ट साइड में आ जाए। तो पहला हमारा हुआ कि पहले हमने 4 को लेफ्ट साइड में लिया, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो बार वाला जो टर्म्स है उसे भी हमको डेसिमल के इस साइड लेके आना है, तो फिर जो रिजल्ट नंबर आया था उसमें फिर मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना जो आपका पहली बार जो मल्टीप्लाई किए थे, इसी में बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आपने ये देख लिया, अभी जो रिजल्ट आ गया है वो डेसिमल के बाद 77 नंबर तो आ रहा है डिजिट रिपीटिंग ऑर्डर में और जो डिजिट रिपीटिंग ऑर्डर में है उसका ही नंबर इस साइड भी एक एटलीस्ट आना चाहिए। अब ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो 100x माइनस 10x एंड 47.77 डॉट 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 में माइनस करेंगे 4.77। अब यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है यहाँ भी डेसिमल के बाद डिजिट है वो सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 47 से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे 43 आएगा, 100 माइनस 10 90 आएगा, सो x की वैल्यू 43/90, सो 0.47 का जो बार है ये 43/90 हो गया। अब इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है 0.001, इसको p/q फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 0.01 का बार का मतलब हुआ कि 0.01 अगेन 0.01 अगेन 0.01 लाइक दिस ये रिपीटिंग ऑर्डर में आएगा, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब डेसिमल के बाद, क्योंकि डायरेक्ट डेसिमल के बाद नंबर है तो हम चाहेंगे कि ये सारा जो डिजिट है जो बार वाला जो डिजिट है वो टोटल डिजिट इस साइड में भी आ जाए, मतलब
ये बार जो है वो 001 भी 001 जो है डेसिमल के इस साइड में आ जाए, तो इसका मतलब है कि इसमें 30 हैं तो बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव 3 रिपीटिंग डिजिट अफ्टर द डेसिमल पॉइंट, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए हम 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा 10000x। और जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका लाइक दिस आ रहा है। 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो 001 इसके बाद डेसिमल आ जाएगा, और ये जो रिजल्ट आ जाएगा 1.001001, क्योंकि 1 से पहले 00 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट आप 1.001001 लाइक दिस आप पुट अप कर लेंगे। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। अब इक्वेशन जो 2 है इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1000x माइनस x और 1.001001 से माइनस करेंगे 0.001 लाइक दिस, इनसे इसको माइनस करेंगे तो आपका ये डिजिट आ जाएगा। और डेसिमल के बाद देख रहे हैं इसमें भी सेम नंबर आ रहा है, डेसिमल के बाद इसमें भी सेम नंबर आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1-0=1 आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू जो आएगी 1/999 आ जाएगी। सो जो आपका 0.11 है इसको PYQ फॉर्मेशन में जो आपने कन्वर्ट किया 1/999 हो गया इसका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एक्सप्रेस 0.999... इन PYQ, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो पहले हमको ये चेंज करना है कि इनको PYQ फॉर्मेशन में, तो जो सेम रूल हमने 3 में लिया था यहाँ भी लेंगे, क्योंकि डेसिमल का रिपीटेशन जो है वो 9 का बार है, 999 रिपीट हो रहा है, ओनली 1 नंबर के ऊपर बार है, तो दैट्स मीन्स कि 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल से पहले 9 आ जाएगा लाइक दिस, एक नंबर पहले आ जाएगा इसके बाद डेसिमल होगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये पहला जो था x=0.9 का जो बार था ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x में से x माइनस हो जाएगा, ये LHS हो गया, RHS में 9.999 से 0.999 माइनस होगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी सेम नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ भी सेम नंबर है, तो ये दोनों नंबर आपके कैंसिल हो जाएंगे और 9-0=9 हो जाएगा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आप जब ये देख रहे हैं कि 0.999... को आप एग्जैक्टली इसको 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि 0.999 goes on forever, there is no gap between 1 and 0.999। आप जितना बड़ा ये डिजिट लेते जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि 1 और 0.99999 में कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए इस नंबर को हम लोग राउंड फिगर में 1 ले लेते हैं। तो ये हमने पहले कन्वर्ट किया कि PYQ फॉर्म में, और इसका रिजल्ट 1 आ गया, एक सरप्राइज वाली बात है, लेकिन इस 1 का मतलब क्या निकला, क्योंकि जैसे जैसे 0.999999 करते जाएंगे तो वो जो वैल्यू है एग्जैक्ट नियर अबाउट वो 1 के बराबर हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर। तो व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक में जब 1 को 17 से डिवाइड करेंगे
तो डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर आएंगे जिसके बाद वो रिपीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वन ब्लॉक का मतलब होता है बार, और बार का मतलब होता है कि वो नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जिसके बाद के फिर दोबारा वही नंबर आ जाए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे इसकी प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ एंटायर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इज लेस देन द डिवाइजर, मतलब कि अगर आपको निकालना हो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मतलब डिजिट का एक ऐसा ब्लॉक जिसके बाद नंबर रिपीट होने लगे, वो क्या है? तो उसके लिए जो एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और प्रॉपर्टीज है, द नंबर ऑफ एंटायर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इज लेस देन द डिवाइजर। तो यहाँ पर 1 से 17 में डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइजर हमारा 17 है, तो इसका मतलब 17 से वो जो होगा रिपीटिंग ब्लॉक वो 16 होगा, क्योंकि 16 के बाद 17 आता है, तो 17 से छोटा 16 होगा। तो 16 नंबर डेसिमल के बाद 16 नंबर आएंगे जिसके बाद अगेन वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। जो रिपीटिंग ब्लॉक है, एक ब्लॉक बनेगा जिसमें नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होने लगेंगे, वो ब्लॉक होगा 16। इस चीज़ को देखते हैं, जब 17 से 1 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो 05 लाइक दिस ये नंबर आ रहे हैं, और इस नंबर को आपको काउंट करना है डिवाइड करने के बाद, ये जिस जगह पे 16 पे स्टॉप होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 डिजिट है। 16 जब डिवाइड किया गया है 16 तक डिजिट को, तो इस केस में जब आप देखेंगे कि अगेन जो लास्ट में जो इसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 1 आ गया है। आप स्टार्टिंग में कर क्या रहे थे, 17 को डिवाइड कर रहे थे 1 में, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 17, 1 को डिवाइड कर रहे थे 17 से, और ये नंबर जो है डेसिमल के बाद आपका नंबर आ रहा था। लेकिन लास्ट में जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे 17 को 1 से डिवाइड कर, 1 को 17 से डिवाइड कर रहे थे, अगेन लास्ट में आपका रिमाइंडर फिर 1 आ गया, और फिर अगेन 1 को आप 17 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन आपका अभी आ चुका है, इस क्वेश्चन के बाद फिर दोबारा ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है ये एक रिपीटिंग ब्लॉक है, और इस रिपीटिंग ब्लॉक में जो नंबर अभी हमने काउंट किया वो नंबर थे 17। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था कि अगर हम 1 में 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट होंगे, तो वो डिजिट जो होंगे जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होता है। यहाँ 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको ये जो है टोटल 16 टाइम्स आप डिवाइड करेंगे, और जब 17 टाइम्स बारी आएगी तो आप अगेन देख लेंगे कि फिर सेम डिजिट पे आप चलेंगे डिवाइड करने के लिए। इसका मतलब रिपीटिंग डिजिट आपका सेम हो गया। तो इस डिवाइड से हमें क्या रिजल्ट मिला, तो इस डिवाइड से रिजल्ट ये मिल रहा है, द रिमाइंडर इज 1 इज द सेम डिजिट फ्रॉम विच वी स्टार्ट द डिवीजन। हमने डिवीजन 1 में ही शुरू किया था, 1 बाय 17, मतलब 1 को ही डिवाइड करना था 17 से, अगेन रिमाइंडर आपका 1 आ गया, दैट मीन्स के 17 से अगेन हमको डिवाइड करना होगा। तो इस केस में ये जो नंबर हैं ये आपके एक रिपीटिंग ब्लॉक बन गए, और इसमें जो डिजिट होंगे ये डिजिट 17 से कम, दैट मीन्स के 16 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि डिवाइडिंग में जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है वो कितने डिजिट के बाद बनता है वो भी पता चल जाता है, कि हम कितने नंबर से हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं, किस नंबर से हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं। अगर 15 से डिवाइड करते तो रिपीटिंग ऑर्डर हमारा 14 का हो जाता, अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ 13 से डिवाइड करते तो रिपीटिंग ऑर्डर 12 पे आ जाता। There is a 16 digit in the repeating block in the decimal expansion of 1 by 17. Hence our answer is verified. तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो आंसर वेरीफाइड हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं।